अगर आपको मेडिकल इमरजेंसी होती है तो आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि अस्पताल कैसे पहुंचा जाए, और पहुंचा भी जाए तो सही टाइम पे कैसे पहुंचा जा सकता है, या फिर अगर आप सही टाइम पे नहीं पहुंचते हैं तो कई लोगों के परिजनों की मौत भी हो सकती है। अगर चुटकियों में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए तो कैसा होगा? दरअसल ऐसा पॉसिबल मोहन सरकार ने कर दिखाया, क्योंकि मध्य प्रदेश में पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा का शुरुआत कर दिया गया है। ये एयर एम्बुलेंस सेवा क्या है और आप एयर एम्बुलेंस सेवा का लाभ कैसे ले सकते हैं, आइए आपको बताते हैं। प्रदेश में कहीं भी मेडिकल इमरजेंसी होने पर कोई भी व्यक्ति इसका लाभ ले सकता है। इस स्कीम के लिए मोहन सरकार ने बेंगलुरु की एक निजी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। इन हेलीकॉप्टर में डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और पायलट मौजूद होंगे। अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो आप इस योजना का फ्री में लाभ ले सकते हैं, पर इसके लिए आपको कलेक्टर से परमिशन लेना जरूरी होगा। अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है तो आपको इस योजना का लाभ लेने के लिए हर घंटे करीब 2 लाख रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार का आज ये बड़ा एक ऐतिहासिक फैसला है पीएम श्री एम्बुलेंस एयर एम्बुलेंस सेवा देने का, जिसके माध्यम से गरीब आदमी का जीवन भी बचाए। हर वो व्यक्ति जिसको मेडिकल सुविधा की जरूरत है और जहां है वहां से और उन्नत अवस्था में पहुंचाना है, ऐसे में एयर एम्बुलेंस एक बड़ा जरिया हो गई, जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति के जीवन का वो निर्णायक क्षण रहता है जब ये सुविधा की जरूरत पड़ती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये हर व्यक्ति के लिए पूरे प्रदेश में शुरू की जा रही है, उसकी आज शुरुआत हुई है। मेरी अपनी ओर से इस आयोजन के लिए माननीय प्रधानमंत्री को बधाई, जिनके नाम पर हमने ये सुविधा प्रारंभ की है, प्रधानमंत्री एयर एम्बुलेंस सेवा। एयर एम्बुलेंस सेवा के लिए एक हेली एम्बुलेंस और एक फिक्स्ड विंग कन्वेंटर फ्लाइंग एम्बुलेंस मौजूद रहेगी। अब हम आपको इस स्कीम का लाभ लेने वाले पहले मरीज के बारे में जानकारी देते हैं। रीवा जिले के गोविंद लाल तिवारी ने पीएम श्री एयर एम्बुलेंस की फ्री फैसिलिटी का लाभ उठाया है और उन्होंने अपनी जान बचाई है। 50 साल के आयुष्मान कार्ड धारी गोविंद लाल तिवारी को एयर एम्बुलेंस के जरिए रीवा से भोपाल भेजा गया। गोविंद लाल तिवारी को 23 जून की रात को अचानक से हार्ट अटैक आ गया था, जिसके बाद उनके परिजनों ने फ्री में इस स्कीम का लाभ उठाया है।